मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन में स्थित दिल्ली गेट के साथ लगती ऐतिहासिक इमारत सुरेंद्रा क्लब के भवन का जल्द ही कायापल्ट होने वाला है। सुरेंद्रा क्लब के जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की तैयारी की जा रही है ताकि इस ऐतिहासिक भवन का संरक्षण हो सके, इसका उपयोग क्लब की विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सके। हाल ही में सुरेंद्रा क्लब से जुड़े सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के साथ मीटिंग डीसी सिरमौर ललित जैन ने की। बैठक में सुरेंद्रा क्लब के भवन की ऐतिहासिक इमारत की शोभा बरकरार रखने के लिए प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाने का निर्णय लिया गया। क्लब के सदस्य मनीष जैन ने बताया कि क्लब का यह भवन लंबे समय से अनदेखी का शिकार होता आया, इसके जीर्णोद्धार को लेकर क्लब के सदस्यों की एक बैठक उपायुक्त सिरमौर से की गई जिसमें इसके जीर्णोद्धार का मामला उठाया गया, जिस पर सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने उपायुक्त निधि से 5,00,000 रुपये स्वीकृत किए। जैन ने बताया कि क्लब की बिल्डिंग ठीक होने के बाद यहां बच्चों को लॉन टेनिस व अन्य खेल खेलने को उपलब्ध होंगे। यहां कैंटीन की व्यवस्था भी की जाएगी जो आदर्श कारागार नाहन के कैदियों द्वारा चलाई जाएगी। अधिकारी जी ने बोला है इसको जो कैदी हैं वो कैफे के उसमें चलाएंगे उनको, और इसको सारा एक्टिव कर रहे हैं। कुछ फंड उन्होंने 5-1 लाख फंड इसको दिया है, बाकी कुछ और फंड्स देंगे तो ये सारा चलाने के लिए उनको अच्छा यूज होगा जी। जिस तरह लगता है ये अच्छी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। हमारा कुछ मेंबर सुरेंद्रा क्लब के डीसी साहब से मिले जिन जो कि सुरेंद्रा क्लब के प्रेसिडेंट हैं और इसमें एसपी हमारे सेक्रेटरी हैं। तो डीसी साहब, नए डीसी साहब आए हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग सुरेंद्रा क्लब की है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने एक बहुत खास कदम लिए। उन्होंने हमें 5,00,000 रुपये का डीसी फंड में से योगदान दिया है जिसका एस्टीमेट उस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए हिमुडा को दिया गया है। वो जल्दी एस्टीमेट आ जाएगा और उसमें हमारा काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू हो जाएंगी। लॉन टेनिस का सिरमौर में पहला और हिमाचल में शायद ये दूसरा ही यहाँ पे ग्राउंड है। बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। प्लस इसमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें हम जेल के कैदियों को कैटरिंग देंगे जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और नाहन के सेंटर प्लेस में ऐतिहासिक बिल्डिंग का ये काम हो रहा है उसके लिए हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।